हेलो एवरीवन, आप लोग हमारे चैनल में स्वागत है। अगर जब हमारे चैनल में नया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास जाए। दोस्तों, ये बैकहो लोडर है जेसीबी का 3DX एक्स्ट्रा, और ये रिवर्स फॉरवर्ड नहीं हो रहा है और इसका एक्सीलेटर भी काम नहीं कर रहा है। ये ऑपरेटर का कंप्लेन है। तो चलिए एक बार हम इंजन को स्टार्ट कर लेते हैं और फिर चेक करते हैं कि रियल में क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो देखिए, मैंने इंजन को स्टार्ट कर दिया है और एक बार एक्सीलेटर को प्रेस करके देखेंगे कि इसका एक्सीलेटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए, मैं एक्सीलेटर को प्रेस कर रहा हूँ और इसका एक्सीलेटर काम नहीं कर रहा है। तो चलिए एक बार रिवर्स फॉरवर्ड भी करके देख लेते हैं। तो देखिए, मैंने फॉरवर्ड कर दिया है लेकिन फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, और एक बार रिवर्स करके देख लेते हैं। तो देखिए, मैंने रिवर्स भी कर दिया है लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ना फॉरवर्ड हो रहा है ना रिवर्स हो रहा है, ना इसका एक्सीलेटर काम कर रहा है। तो चलिए एक बार आप लोगों को डिस्प्ले दिखाते हैं। तो देखिए, जीरो के आगे ई टाइप का सिग्नल बना हुआ है और ये हमारा मेन डिस्प्ले है जहाँ सिग्नल वगैरह शो करता है। तो देखिए, यहाँ दिखा रहा है कि जेसीबी के डीलर से बात करने के लिए और MUCU डिसकनेक्टर फ्रॉम कैन, और एक दे रहा है LED ECU डिसकनेक्टेड। तो यही सब सिग्नल दे रहा है जिसके चलते जेसीबी ना तो रिवर्स फॉरवर्ड हो रही है और ना इसका एक्सीलेटर काम कर रहा है। तो यही प्रॉब्लम इसमें। तो चलिए एक बार हम फ्यूज को देखते हैं। तो मैंने फ्यूज बॉक्स को खोल दिया है और सबसे पहले जो हमारा MECU का फ्यूज है उसे चेक करेंगे और फिर देखेंगे कि वो फ्यूज सही है कि नहीं है या वायरिंग का इशू है। तो देखिए, उसका डायग्राम है जो भी फ्यूज लगे हुए हैं, और इस डायग्राम के माध्यम से आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि कौन सा फ्यूज कहाँ लगा हुआ है, और जल्दी आपका काम भी हो जाएगा, जल्दी चेक हो जाएगा जो भी फ्यूज है। तो देखिए, MECU का ये फ्यूज है, तीसरा लाइन में सबसे फर्स्ट नंबर फ्यूज है। तो चलिए हम चेक करते हैं, और ये रिवर्स फॉरवर्ड वाला फ्यूज है। तो टेस्टिंग लैंप की माध्यम से हम चेक करेंगे। तो देखिए, इसके इन वाले पॉइंट पे सप्लाई आ रहा है लेकिन उस फ्यूज से आउट नहीं हो रहा है। तो चलिए इस फ्यूज को निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं कि फ्यूज हमारा ख़राब है कि नहीं। तो देखिए, ये फ्यूज ख़राब है, बीच से डिसकनेक्ट हो गया है MECU का। L बैटरी वाला भी फ्यूज चेक कर लेते हैं। तो देखिए, L बैटरी वाला जो फ्यूज है उसे चेक कर लेते हैं, उसी लाइन में चार नंबर का फ्यूज है। तो चलिए एक बार इसका सप्लाई चेक कर लेते हैं, फ्यूज सही है कि ख़राब है। तो देखिए, इन साइड में बल्ब जल रहा है और आउटसाइड में नहीं जल रहा। तो एक बार इस फ्यूज को निकाल कर देखेंगे। तो देखिए, ये वाला भी फ्यूज ख़राब है। तो दो फ्यूज ख़राब है जिसके चलते ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, ना तो एक्सीलेटर काम कर रहा है और ना ही रिवर्स फॉरवर्ड हो रहा है। तो चलिए एक बार हम दोनों में नया फ्यूज डाल देते हैं, और नया फ्यूज डालने के बाद से फिर देखते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखिए, मैंने एक फ्यूज लगा दिया नया, एक दूसरा फ्यूज है इसको भी लगा देते हैं, और लगाने के बाद से फिर चेक करते हैं। तो मैंने लगा दिया है दोनों फ्यूज और एक बार स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, मैंने मशीन को स्टार्ट कर दिया है और जो भी सिग्नल पहले आ रहा था MECU डिसकनेक्टेड LED ECU, वो सारे सिग्नल हट चुके हैं। और देखिए, यहाँ जो जीरो के आगे ही दिखा रहा था अभी नहीं दिखा रहा, और यहाँ N का सिग्नल भी शो कर रहा है, यानी जो हमारी प्रॉब्लम थी ओके हो गई है। और इसका एक्सीलेटर काम नहीं कर रहा तो उसको भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए, इसका एक्सीलेटर काम कर रहा है, एक बार मैं आप लोग को मीटर दिखा देता हूँ। तो देखिए, इसका RPM काम कर रहा है एक्सीलेटर पैडल प्रेस करने के बाद। तो जो भी प्रॉब्लम था उसी फ्यूज से रिलेटेड था, और एक बार हम आप लोग को नीचे उतर के फिर दिखाएंगे कि जो हमारा मशीन है वो रिवर्स फॉरवर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है। तो चलिए आप लोग को दिखा देते हैं, तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, हम जेसीबी से उतर रहे हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं कि रिवर्स फॉरवर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए, हमारी मशीन फॉरवर्ड हो रही है, और एक बार रिवर्स भी करके आप लोग को दिखा देते हैं। और देखिए, रिवर्स भी हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।